है ना? क्या है रे? है ना श्राद्ध का भोजन? नहीं है ना, अभी नहीं, पर पुजारी और दानी बैठ गए हैं खाने के लिए। वो अपना लंगड़ा नत्थु है ना, वो बता रहा था शायद आधे घंटे में आएगी हमारी बारी। तुम यहीं सोए रहो, मैं आकर ले जाता हूँ तुम्हें। शेषाद्री जी, क्या हुआ? शेषाद्री जी, शेषाद्री जी, क्या चक्कर आ गया क्या? अरे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? उस आदमी को देख रहे हो? हाँ, मैं उसे जानता हूँ। क्या? हाँ, तुम्हें याद है मैं मालगुड़ी में रहता था, 10-12 साल पहले की बात है। बेटा, चाकू लीजिए। क्यों? रिबन। रिबन? उद्घाटन उद्घाटन। देता हूँ भाई, देता हूँ। चिक्की चाहिए ना? हाँ, ये ले चिक्की। बंदरे को क्या चाहिए? हाँ, ये ले गोली। हाँ, दे रहा हूँ। सबर करो, सबर करो। हाँ, ले लो। कहिए, क्या चाहिए आपको? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप जो काम करने को कहे मैं करूंगा, बदले में बस थोड़ा सा खाना, आसरा और थोड़ी सी दया। नहीं नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम वाम नहीं है। ऐसा मत कहिए साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैं भगवान से डरने वाला आदमी हूँ, श्रद्धालु हूँ, धर्म रीति रिवाज सबका पालन करता हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? मालगुड़ी के तो नहीं लगते? नहीं, मैं तिरछनापल्ली से आया हूँ मालिक। मेरे घर वाले वहीं के हैं, बहुत जमीन है हमारे वहाँ। तो फिर तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है, यहाँ क्यों आए? 2 साल पहले मेरी माँ चल बसी, पिताजी ने दूसरी औरत रख ली। उसकी कठोरता मैं आपको बता नहीं सकता मालिक, वो कितनी कठोर औरत थी। बस इतना कह सकता हूँ मालिक, उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया, इसलिए मैं घर से भाग आया। ठीक है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? रामू मालिक। देखो रामू, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, पर एक चिट्ठी दे देता हूँ, इसे लेकर मेरे घर जाओ, कबीर स्ट्रीट पर है, मैं रात को आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। किट्टू, जोर से हंसो। एक काम करो, ये ऐसे पकड़ के ऊपर फेंक कर फिर पकड़ना। बड़े कमाल का आदमी है, उसे हमारे घर में ही रहने दीजिए ना। वो हाथी और शेर को काबू में लाना जाता है, वो उसी की कहानी सुना रहा है। जाओ जाओ सुनो। अरे रामू, कहानी नहीं। बहुत अच्छा लड़का है जी, बेचारा अनाथ बच्चा, माँ बाप के प्यार के बिना बहुत कष्ट उठाए इसने। हाँ, और जानते हैं आप, किट्टू को भी बहुत प्यार करता है वो। अच्छा, मानो उसमें या वेणु और कार्तिक में कोई फर्क ही नहीं। रामू, रामू। मालिक, तुमने खाना खा लिया? हाँ मालिक, माँ जी के हाथ का खाना। ठीक है, आज रात को तुम यही सो जाना इस कमरे में। मैं तुम्हारे लिए चटाई और चादर लेके आती हूँ। नहीं माँ जी, कष्ट न कीजिए, मैं यही सो जाऊंगा। थोड़ा सा अन्न, वस्त्र और थोड़ी सी दया, यही बहुत है मेरे लिए, है ना किट्टू? अरे रामू, इतनी जल्दी उठ गए तुम? हाँ माँ जी, अगर आप मुझे ये बता दें कि सामान कहाँ रखा है, तो सबके लिए मैं कॉफी नाश्ता बना दूंगा। तुम? हाँ। नहीं नहीं, मैं खुद बना लूंगी। आप मुझे मदद क्यों नहीं करने देती? आप समझते हैं मुझे खाना पकाना नहीं आता? एक बार, बस एक बार सेवा करने का मौका दीजिए ना। अरे चलो भी, लड़का इतना कह रहा है तो पकाने दो उसे। अच्छा आओ। अभी आया माँ जी।
ठीक से खाओ। हाँ अरे वाह रामू, बहुत बढ़िया खाना पकाया तुमने। कहाँ से सीखा है सब? मेरे पिताजी के घर पर वो चुड़ैल थी ना, सारा काम मुझे से करवाती थी। गलती हुई तो खैर नहीं, छड़ी से होती थी मेरी सेवा। गलती न करना ही आसान था। लो। अच्छा सादिक सेठ को मेरा सलाम दे जी। अच्छा और चावल जल्दी भिजवा देना। जरूर जरूर। मालिक खाना यहीं परोस दूं? आप खा लीजिए, मैं संभालूंगा। मुझे चिक्की चाहिए। मालिक चिक्की? 5 पैसे। मुझे ये चाहिए। लाल गोली या मूंगफली? लाल गोली। मालिक लाल गोली। 10 पैसे के 3। ठीक है, ये लो बेटा। तो शेषाद्रि जी, दुकान के काम में हाथ बटाने के लिए आखिर कोई मिल ही गया आपको? अच्छा लड़का लगता है। शेषाद्रि जी, हमें 10 किलो चावल बोले थे ना, तैयार रखे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है। रात को घर लौटते वक्त मैं आपके यहाँ खुद पहुँचा दूंगा। रात को? आ क्या बात करती जी, हमें भी दोपहर को खाना खाना। सो मालिक, आपको एतराज ना हो तो मैं माजी के साथ अभी चला जाता हूँ चावल लेकर। बड़ी मेहरबानी होती। आज रात को इनकी माँ और बहन आती कहते हैदराबाद से, घर में एक दाना चावल नहीं। नहीं मालिक, मैं देर नहीं लगाऊंगा। आप आराम से खाना खाकर पानी पी लीजिए, डकार देने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। थैला वही पड़ा हुआ है, ले जाओ। अच्छा मालिक। आइए। चलो जी। बहुत दे चुका, बहुत नहीं दे सकता साहब। थोड़ा सा बिल्कुल नहीं। आईना नहीं मांगूंगा साहब। साहब मैं अगले सोमवार को आऊंगा सामान तैयार कर। शेषाद्रि से कहना मुझसे आकर मिले। हाँ थोड़ा सा कहा ना एक बार। खुदा हाफिज। अपने मालगुड़ी के मंदिर का हाथी है ना, वो वही था। बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उसे पूछा, अरे क्या हुआ तुझे? कहने लगा, मुझे सैर करनी है घोड़ा गाड़ी में। गाड़ी में। घोड़ा गाड़ी में, मदन सेठ की तरह। जानते हैं आप, रामू को हमारे यहाँ आए पूरा महीना हो गया। घर में उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना। बुलाकर और दुकान में धंधा तो सीख गया है, सामान का खरीदना बेचना हिसाब पक्का लगाता है। उधार किसी को नहीं देता। हम उसे कुछ पैसे दे दें तो तनखा? नए बंगले के लिए एडवांस भरना है ना। धंधा तो 10 गुना बढ़ा है, एक तनखा नहीं दे सकते। सोचेंगे, कल सुबह ही उससे बात कर लेना। अच्छा चल एक काम करते। तो आज कौन जीता? और कौन तुम्हारा मालिक। ये तेरे लिए, खा ले। इधर आओ रामू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या मालिक, क्या बात है? मैंने कुछ गलत किया क्या? हाँ जरूर किया है। क्यों बेचारे को चिढ़ाते हो मालिक? बेचारा लड़का परेशान हुआ जा रहा है। बोल दीजिए ना। अच्छा बाबा, हम दोनों को लगता है कि तुमने बड़ी लगन से काम किया है, इसलिए हम तुम्हें तनख्वाह देना चाहते हैं। तनख्वाह? मालिक, मालिक आप मुझे यहाँ से निकलना चाहते हैं? मैं चला जाऊं? नहीं रामू, ऐसा किसने कहा तुमसे? तुम तो इस घर का एक हिस्सा हो, जाने को क्यों कहें? माँ जी, आप लोगों ने मुझे अपना माना है, यही मेरे लिए बहुत है। अपनों को भी कोई तनख्वाह देता है क्या मालिक?
वो सब ठीक है रामू, लेकिन तुम्हारे काम की प्रशंसा के रूप में थोड़े पैसे ले लो। हाँ रामू, घर के काम के अलावा दुकान पर भी काम करते हो, तनख्वाह तो मिलनी ही चाहिए तुम्हें। माँ जी, अगर आप चाहती हैं कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं तो तनख्वाह की बात करना। चलो वेणु बाबा, स्कूल जाने में देर हो रही है, मैं दोपहर को दुकान पर आता हूँ। वाह शेषाद्री, आजकल काफी अच्छे गेम खेलने लगे हो। क्यों नहीं, वॉलीबॉल का नेट जो है, क्यों पिताजी? मारोगे तुम्हें? प्रैक्टिस करने के लिए समय जो मिल जाता है, सब रामू की लीला है। सच कहे तुमने, लाखों में एक लड़का है वो रामू। हाँ भाई, उसके बिना मेरी और मेरे परिवार वालों की गाड़ी चलती ही नहीं। अरे सिर्फ तुम्हारा परिवार नहीं, सारा मालगुड़ी उसका ऋणी है। अब समय तो बहुत होता है तुम्हारे पास, करते क्या हो? धंधा बढ़ाने की सोच रहा हूँ। रामू को दुकान की जिम्मेदारी सौंप कर कोई नया धंधा शुरू कर दूंगा। कैसा नया धंधा? मस्के का। मस्के का? अरे भाई मक्खन, मालगुड़ी का मक्खन मद्रास और मदुरई में मार्केट करूं तो मजा आ जाएगा। फायदा ही फायदा निचोड़ सकूंगा। रामू, तुम कुछ दिनों के लिए दुकान अकेले संभाल सकोगे? मालिक, अगर आपको मुझ में विश्वास है तो जरूर संभालूंगा। अरे विश्वास है तभी तो पूछ रहा हूँ। मुझे मद्रास जाना होगा, वही मक्खन और घी का चक्कर। आप निश्चिंत होकर जाकर आइए, मैं सब संभालूंगा। माँ जी और बच्चों की भी कोई चिंता ना करें। इन 5-6 महीनों में तुम मेरे बेटे समान हो गए हो। 5-6 महीने मालिक, 2 साल होने को आए हैं। 2 साल? एक दो तीन चार पांच, 4 3 2 1। ये लीजिए, आज तक का हिसाब पूरा हो गया। अच्छा जी, धन्यवाद। अब बताइए, मालगुड़ी कब आएंगे आप? ये आपके घर के लिए। हाँ, बहुत साल गुजर गए, आपने सेवा का मौका नहीं दिया। मुर्गा ने चाहा तो बहुत जल्द ही आपके नए घर आ जाएंगे। सुना है बहुत बड़ा है आपका नया घर। जी, भगवान महान है, सब राम जी की कृपा है। मिस्टर शेषाद्री केरा पन्ना स्वामी चेट्टियार, कौन है? हाँ मैं हूँ, क्या हुआ? आपके लिए तार है। तार? किसका? आपका नहीं, इनका। फादर डाइंग कॉलरा, मस्ट गो एट वंस, इमीडिएटली रिटर्न। रामू, मालिक अच्छा किया जो आप फौरन चले आए, मैं इसी गाड़ी से तिरछी जा रहा हूँ। पिताजी को कॉल रहा, सोचा भी नहीं था पिताजी को कॉल रहा हो सकता है। उनको कुछ नहीं होगा रामू, धीरज रखो। चाबियों का गुच्छा मैंने माजी के हवाले किया है, पैसे और हिसाब किताब भी उन्हीं के पास है। अच्छा रामू, ठीक है, घबराओ मत। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक हो गई तो मैं कल रात की गाड़ी से वापस आ जाऊंगा। कुछ भी हो जाए 15 दिन से ज्यादा नहीं लगाऊंगा मैं। हाँ चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम माजी। प्रणाम। हाँ, किट्टू ने लकड़ी का हाथी मांगा था, वो भी लेता आऊंगा। हाँ, जल्दी हाँ। आ जाऊंगा, फिक्र मत कीजिए। अरे भाई जरा इधर रोको। तुम लोग घर चलो, मैं घंटे भर में आता हूँ। जल्दी आइए। हाँ हाँ, ऊपर रखो, ठीक से, आहिस्ता आहिस्ता। नमस्ते। हाँ। सादिक सेठ,
आइए आइए शेषाद्री जी, कई दिनों बाद याद आई हमारी आपको। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ। हाँ माफ करना, बहुत दिनों से आना चाह रहा था लेकिन इस माखन के धंधे ने जकड़ रखा है। बहुत घूमना पड़ता है सादिक सेठ, मालगुड़ी में ही नहीं रह पाता आजकल। बताइए अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। दुकान के लिए कुछ सामान चाहिए था, ये रही सूची। अजी बैठिए साहब, ये सूची तो बड़ी लंबी है, इतने सामान की कीमत 300 रुपए से कम नहीं। थोड़ी सी जल्दी थी, सामान आज ले जाऊं। देखिए पिछला हिसाब चुकता कीजिए, ये मैं नहीं कह रहा, पर आज आप 50 रुपए का सामान ही ले जाइए। मुझे गलत ना समझना, मैं भी आपकी तरह व्यापारी हूं। आप क्या बोले जा रहे हो। गणेश सेठ जी, इनका बाकी कितना है। शेषाद्री जी आपका बाकी तो 3,500 रुपए। 3,500? बात यह है शेषाद्री जी, पिछले 3 महीनों में एक किस्त भी नहीं पहुंचे हमें। हाँ पर सेठ जी, पिछले महीने ही तो मैंने आपको 450 भेजे थे, और उसके पिछले महीने 350, और उससे पहले नहीं नहीं अब तक तो काफी कम हो चुका होगा। दिखाओ दिखाओ मुझे पर्ची दिखाओ, आपके भी तो दस्तखत होंगे उसके ऊपर। पिछली किस्त 4 महीने पहले, और रोज कुछ ना कुछ खरीदा है। रामू कह रहा था कि आपका धंधा अच्छा चल रहा है और आप मद्रास से लौटते ही हिसाब कर देंगे। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। आपकी गैर हाजिरी में हर रात 12 बजे घर लौटता था वो, कहता था हिसाब लिखते लिखते देर हो जाती है। किताबों का हाल मत पूछो। मैं तो उसे हर रोज दुकान के बारे में पूछती ही थी, कहता था अब ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है। मैं हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए, संभाल लूंगा संभाल लूंगा। अब क्या करेंगे आप। काफी लोगों का हिसाब करना बाकी है, अब उन्हें पैसे चुकते करने को कहना ही होगा। पर पैसे तो हमने भर दिए, कोई गलती हुई होगी। हाँ शेषाद्री जी, 15 दिन पहले ही हमने भर दिए, लेकिन आपके खाते के हिसाब से तो 800 रुपए बाकी हैं। शायद हिसाब चुकाने में देरी करते, पर आपका रामू पीछा छोड़ता तब ना। यही जवाब आज कम से कम एक दर्जन ग्राहकों से सुनकर आया हूँ, माफी चाहता हूँ। वो लड़की जा रही है ना, उसकी बहन है। अरे शेषाद्री जी यही है, जरा इनका भी हाल जान ले। शेषाद्री जी आपका वो लड़का कहाँ है। असली टोपी पहना कर चला गया, वो सब छट कर गया। क्या हुआ। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आपको हमारे वो हैदराबाद वाले पड़ोसी याद है। कौन से। हाँ वो वाली। तो क्या आपके लड़के का उनके यहाँ आना जाना कुछ जरूरत से ज्यादा ही था। हाँ, उनकी वो लड़की देखी थी ना आपने, काली जो थी, बड़ी बड़ी आंखों वाली। नहीं मैंने उसे नहीं देखा। रामू ने देखा था, रोज शाम उसे टैक्सी में बिठा कर मालगुड़ी की सैर कराता था। मैम्पी हिल्स में मैंने खुद देखा था। कहाँ है वो हैदराबाद वाले अभी। चले गए हैदराबाद, चले गए। आप भी जाइए हैदराबाद, जाइए शायद वो मिल जाए। किसी भी तरह मेरे हाथ तो लग जाए, वो हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा। कुछ और पता चला रामू के बारे में। हाँ बुरी खबर, सिर्फ ट्रंक नहीं पूरी अलमारी भरने की योजना थी उसकी। बेईमान कहीं का, बॉम्बे स्टोर्स वालों ने बिल भेजा है। देखो ये देखो जरा, सूट 4, रेशमी शर्ट 18, चमड़े के सूटकेस 2, कंबल 3, बनारसी साड़ियां 6, ब्लाउज पीस 12, मखमल के चप्पल 2। आपको मालूम है रामू के पिताजी को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल हटे कटे है मद्रास में। रामू अपनी जिंदगी में कभी टिची नहीं गया। हाँ पिताजी, सरस्वती के मामा ने रामू को हैदराबाद में देखा संगीत सम्मेलन में। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे अब। सब राम जी के हाथ में है। मालगुड़ी से निकले तब जेब में एक कौड़ी नहीं, और संभालने को बीवी और 4 बच्चे। बहुत बुरे दिन काटे हमने,
आखिर हमारे पूर्वजों ने सोना भी इन्हीं बुरे दिनों के लिए खरीदा था। जगह जगह अनजान लोगों की दया के सहारे दिन काटे हमने। जो दोस्त कहलाते थे वो पहचान ही नहीं दिखाते। कार्तिक को मैकेनिक की नौकरी करनी पड़ी और वेणु का स्कूल तो छूट ही गया। भगवान न करे वो दिन वापस आए। पर समय के साथ परिस्थिति सुधर गई। मेम्पील्स के दयालु काफी एस्टेट वाले हैं ना, उनकी कृपा है सब। काफी का धंधा चल गया। पर रामू जी की लीला के जख्म भरते भरते कई साल गुजर गए। पर उसने ऐसा क्यों किया? उतने सारे पैसे क्या हुआ उनका? हाँ, भीख क्यों मांग रहा है ये? अभी पूछ आता हूँ उस नमक हराम बदमाश को। ए इधर देख, मेरी ओर देख। अंधा हूँ, कहाँ देखूँ बाबा? अंधे हो? तुम कौन हो? कहाँ के रहने वाले हो? इससे आपको क्या मतलब? चले जाइए यहाँ से। जाइए, जाइए, जाइए। ना ना, खाना तैयार है। मुझे भूख नहीं, तू जा। अना? जा। सुना, वो कौन है? अब बता, वो भिखारी कौन है? भिखारी नहीं, सन्यासी है वो। उसकी मेरी अच्छी बनती है। उसकी आंखें नहीं, मेरे हाथ नहीं। लेकिन वो आया कहां से? पता नहीं, दिल्ली हैदराबाद बनारस में उसके बहुत पैसे थे। एक भयानक आदमी पूरा जल गया, उसकी आंखें चली गई, उसकी बीवी भी छोड़कर चली गई। तब से वो, देखिए साहब, उसे ये मत बोलना कि मैंने ही ये सब आपको बताया। हाँ, बीते दिनों की याद छेड़ते ही आग बबूल हो जाता है वो। चलता हूं मैं। हाँ, ta na 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 na